नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ योगेश राणा। पश्चिम बंगाल में अपनी 10 साल पुरानी सत्ता को बचाने के लिए ममता व्हील चेयर पर आ गई है। उनके पैर में चोट लगी है, लेकिन वह आराम करने के बजाय सड़क सड़क रैली रैली व्हील चेयर पर घूम रही है। हालांकि कई लोग उनकी इस चोट को नाटक और उनके इस तरह के व्हील चेयर पर घूमने को इमोशनल गेम बता रहे हैं। अगर यह सच भी है तो बंगाल में बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि ममता इतनी परेशान हो गई, इतनी बेचैन हो गई है और वह व्हील चेयर पर घूमने के लिए मजबूर हो गई है। मुसलमानों की राजनीति करने वाली यह महिला आज दुर्गा पूजा कर रही है, दुर्गा जी की पुजारिन बन रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धर्म एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने यह चुनाव प्रचार की शुरुआत जय श्री राम के नारे से की। बीजेपी की हर चुनावी रैली में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे बोले जा रहे हैं। इसी के साथ ममता ने खुद को दुर्गा की बड़ी पुजारिन बताया है, तो बीजेपी ने अपनी रैलियों में जय माँ दुर्गा का नारा भी शामिल कर दिया है। बंगाल का चुनाव पहले जहां मुसलमानों पर केंद्रित हुआ करता था, अब ऐसा लग रहा है कि जय श्री राम और जय मां दुर्गा के बीच लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने ममता पर खुद को हिंदू साबित करने के लिए इतना दबाव बना दिया है कि वह मंदिरों में जा रही है और खुद को ब्राह्मण की बेटी बता रही है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। तब भी बीजेपी ने राम मंदिर के साथ हिंदू अस्मिता और दुर्गा पूजा पर पाबंदी के सवाल उठाए थे। बीजेपी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती। यह सब बीजेपी के जय श्री राम के नारे का कमाल है। यही वजह है कि ममता परेशान हो गई है और उसे पता चल गया है कि जब साथ में हिंदू वोट ही नहीं रहेंगे तो वह मुसलमान वोट का क्या करेगी, क्योंकि कुछ सीटों को छोड़कर अकेले मुसलमानों के वोट इतनी सीटें नहीं दिला सकते कि वे सत्ता में वापसी कर सके। इसलिए वह दुर्गा पाठ कर रही है। उसे भरोसा है कि जिन मुसलमानों की खातिर वह बदनाम हुई है, वो इस संकट की घड़ी में उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। किसी तरह से हिंदू वोट को बचा लिया जाए और मुसलमान उसको छोड़कर जाएंगे नहीं तो उसकी सत्ता बची रहेगी। लेकिन उसकी चिंता बस इतनी भर नहीं है। बंगाल में मौलाना अब्बास और ओवैसी ने मुसलमान वोटों को लेकर भी उसकी चिंता बढ़ा दी है। यह सच है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को अपने मुस्लिम वोट बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास और असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी अकेले ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि वे मुसलमानों के वोट नहीं कटेंगे वहां पर, और वह वोटों को कटने से रोक लेगी, क्योंकि ओवैसी मुसलमानों की कट्टर राजनीति करते हैं और पूरे देश में मुसलमानों का एक बेस वोट बैंक बनाने की मुहिम पर निकले हुए हैं। मौलाना अब्बास की पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। आप समझ सकते हैं कि वह भी मुसलमानों की कैसी राजनीति करते हैं। हालांकि वो वहां से बाहर कहीं है नहीं है, लेकिन ओवैसी पूरे देश में अपने एक मुस्लिम बेस वोट बैंक को बना रहे हैं। इस चुनाव में वह वामपंथी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में करीब 40 सीटों पर लड़ रहे हैं। मैं यहां पर अब्बास की बात कर रहा हूं। वो 40 सीटों पर लड़ रहे हैं और 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जाहिर है इन दोनों के उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाकों में ही खड़े किए गए होंगे और उन्हें मुसलमानों के वोट ही मिलेंगे। इन दोनों की पार्टी इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है, ऐसे आरोप इन पर अक्सर लगते रहेंगे, हर तरफ लगते रहते हैं। परिणाम क्या आएगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ भी कहे ममता इस बार बुरी तरीके से फंस गई है। हर खबर के कई चेहरे होते, सही चेहरे की पहचान जरूरी है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ।